अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सत्यकार, कैसे हो? आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। तो चलिए भाई लोग, आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे नए नए वीडियो पाते रहेंगे। उसके बाद सीधा चलते हैं अपन पिकार्ट पे। पिकार्ट पे जाने के बाद ये प्ले स्टोर में मिल जाएगा आपको, अगर डाउनलोड करना है तो। उसके बाद बैकग्राउंड ले लेंगे, बैकग्राउंड सिंपल। हम बैकग्राउंड लेने के बाद किधर रहा ये? इधर यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम अपना बैकग्राउंड ले लेंगे। अपना मैंने कटिंग करके रखा है आप लोग के लिए, खाली आप लोग के खातिर कटिंग करके रखा है, बहुत मेहनत लगा भाई। तो यहाँ पे ऐसे कर देंगे इसको, उसके बाद चलेंगे यहाँ पे क्रॉप कर देंगे थोड़ा इसको। क्रॉप करने के बाद इधर से क्रॉप कर देंगे साइड साइड में, वाइट वाइट जो दिख रहा है थोड़ा ऊपर भी कर लेंगे। उसके बाद डन कर देंगे। डन करने के बाद फिर से जाएंगे इधर टूल्स में, इसका जो है, इसका जो साइज है उसको बड़ा कर देंगे। यहाँ से यहाँ कर देंगे कितना, 2400, ताकि फ़ोटो लगना फटना नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ जाएंगे ऐड फ़ोटो पे। ऐड फ़ोटो पे जाने के बाद अपना जो मॉडल है उसको ले लेंगे सीधा। मैंने कटिंग करके रखा है, अगर आपको नहीं आता तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कटिंग कैसे करते हैं, तो देख सकते हो ये कैसा अभी कैसा बना देंगे इसको। यहाँ पे इसको यहाँ पे इरेज करने के लिए ब्रश पे जाना है। ब्रश पे जाने के बाद इसका हार्डनेस फुल करके जूम करके साइड साइड में एक सीख तो ऐसे कटिंग हो जाएगा। पूरा कट करके सिर्फ हेड को छोड़ के पूरा इरेज कर लेना है आपको। तो देख सकते हो ज़्यादा इरेज हो गया, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाने के बाद सिंपली इसे फेंड कर देते हैं। देख सकते हो फेंड हो गया। उसके बाद हम इसको यहाँ से ऐसे छोटा कर देंगे, तो बड़ा हो रहा है। इसको सेट करने के लिए थोड़ा और अंदर दबाएंगे, देख सकते थोड़ा उसको थोड़ा और बड़ा कर देंगे। तकरीबन इतना करने के बाद यहाँ बराबर फिट कर लेते हैं। फिट करने के बाद इरेज में थोड़ा देख सकते हो गया। इसके बाद यहाँ इरेजर में क्लिक करके यहाँ पे ब्रश पे जाने के बाद थोड़ा छोटा छोटा ऐसे करके ऊपर का हिस्सा जो है उसको इरेज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ का हार्डनेस को कम करके थोड़ा सा इरेज कर लेंगे ताकि लगे कि यहाँ इसमें ये ओरिजिनल है। उसके बाद यहाँ से ज़्यादा हो गया, ऐसे क्लिक करके यहाँ से इधर डन कर देंगे। यहाँ से देख सकते हो इधर कैसा है। तो सब इसको ऐसे घिसका के अब लग रहा है कि ओरिजिनल परफेक्ट हो रहा है। ठीक, देखोगे तो अब लग रहा है कि परफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ से डन कर देंगे इसको हम। डन करने के बाद फिर से जाएंगे ऐड फोटो पे, हेयर का चेंज ले लेंगे, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये रहा, इसको ऐड करने के बाद वाइट वाइट को हटाने के लिए आपको जाना पड़ेगा ब्लेंडिंग के ऑप्शन में। यहाँ पे मल्टीप्लेयर, यहाँ से डार्क कर देंगे डार्क। उसके बाद इसको हम सेट करेंगे छोटा करके, देख सकते हो थोड़ा उल्टा लग रहा है इसको, ये उल्टा लग रहा है। तो हम सीधा करने के लिए सीधा चलेंगे, हम रेजर आएंगे ऊपर में। ऊपर में आने के बाद यहाँ क्लिक रोटेट में जाने के बाद इसको हम इसे कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा छोटा करके हमने इसको तकरीबन यहाँ देख सकते हो परफेक्ट हो गया। इसको इरेज करने के लिए इरेजर टूल्स में जाने के बाद इसका साइज को थोड़ा कम कर देंगे। उसके बाद सीधा चलते हैं इधर ब्रश पे, क्लिक करके इसको ऐसे करके आपको भी इरेज कर लेना है, ज़्यादा हो गया। इरेज करने के बाद देख सकते हो ये भी मैंने इरेज करके इरेज कर लिया आपने, रहा होगा। तो हम परफेक्ट इरेज करेंगे ताकि जो थोड़ी लंबी रहेगी ताकि ओरिजिनल लगना चाहिए। उसके बाद ये देख सकते हो वाइट वाइट, इसका यहाँ पे जाके हार्डनेस को कम करके इसको भी थोड़ा इरेज कर लेंगे ताकि ओरिजिनल लगना चाहिए, फेक नहीं ना। उसके बाद देख सकते हो गया कितना अच्छा। यहाँ से डन कर देंगे। यहाँ से डन करने के बाद यहाँ पे चलेंगे सीधा ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में जाने के बाद इसका जो लाइन, ड्रॉ लाइन बनाएंगे हम, तो इसको यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके रखना है आपको। इसका कलर ले लेना है सिलेक्ट करके, उसके बाद चलना है अपन यहाँ पे। जाने के बाद यहाँ पे नहीं, इधर सॉरी, इधर जाएंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे जाने के बाद ये वाला ब्रश यूज करके इसका साइज को 2 के आसपास करके ओके कर देंगे। फिर अपन इधर करेंगे, इधर करने के बाद यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे, लाइन ऐसे करके। अब ये लाइन बड़ा हो गया तो इसको यहाँ पे क्लिक करके छोटा करके यहाँ पे इरेज कर देंगे। ठीक, इसका हार्ड कैपेसिटी को फुल कर देंगे, इरेज कर देंगे इसको।
अपना हेयर के मुताबिक रखेंगे कितना, देख सकते हाँ ये बन गया, इधर से थोड़ा कर लेंगे और इसका कैपेसिटी को कम करके और एक बार कर लेते हैं अपन। हाँ फिर यहाँ से अपन डन कर देंगे इसको, देख सकते हो कितना अच्छा बन गया एकदम ब्यूटीफुल। उसके बाद फिर चलेंगे ड्रो यहाँ पे किधर गया, ब्यूटी पे, ब्यूटी पे जाने के बाद अपना फेस को स्मूथ करने के लिए आपको सिंपल ये वाला ब्रश चूज करना है, फैक्स फिक्स, इस पर क्लिक करके इसका थोड़ा साइज को कम कर देते हैं और सिंपल यहाँ पे ब्रश घुमा देंगे, ऐसे करके घुमा देंगे ताकि लगे कि यहाँ देख सकते हो कितना स्मूथ बन रहा है, बन रहा है ना भाई, देख सकते हो कितना स्मूथ बन रहा है। अगर इसको बड़ा करोगे तो ऐसा लगेगा आपका, जितना करोगे तो हम तकरीबन अच्छा करने के लिए हम थोड़ा साइज को कम, इतना हाँ देख सकते हो कितना था, कैसा था अभी कैसा हो गया, देख बिफोर एंड आफ्टर। उसके बाद यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे, डन पे क्लिक करने के बाद इसको हम छोटा कर लेते हैं, छोटा करने के बाद यहाँ से डन पे क्लिक करेंगे तो सीधा चलेंगे अपने ड्रो टूल में, ड्रो टूल में जाने के बाद यहाँ पे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे अपना गैलरी में सेव कर लेंगे यहाँ से, ये देख सकते हो अपना गैलरी में सेव हुआ। तो कैसा लगा भाई लोग वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो चलो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।